Now question fourth, exercise 11.3. A gardener want to fence a circular garden of diameter 21. ओके एक गार्डन है, सर्कल शेप का गार्डन है जिसका डायमीटर आपको गिवन है 21 मीटर। ठीक है, अगर आपको इसकी हेल्प से रेडियस निकालनी है तो आप डायमीटर का हाफ कर दीजिए, देयरफॉर का साइन है ये, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर। हम डायमीटर का हाफ कर रहे हैं सो रेडियस आ जाएगी आपके पास, मैं फ्रैक्शन में ही रख रहा हूँ, ओके 21/2। नाउ आगे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ रोप ही नीड टू परचेस, उसको कितनी लंबी रोप चाहिए, हमें लेंथ ऑफ रोप फाइंड करनी है। ठीक है, इफ़ ही मेक टू राउंड ऑफ फेंस, ठीक है अगर उस रस्सी के हेल्प से, ये गार्डन है आपका सर्कल शेप का, ये इसकी बाउंड्री है, फेंसिंग हमेशा बाउंड्री पे होती है और बाउंड्री का मीनिंग होता है सर्कमफेरेंस। ठीक है, उसको दो राउंड करने, एक राउंड जो होता है आपका बाउंड्री का है ना, वन राउंड इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस, वो सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है, यहाँ दो राउंड है तो हमें सर्कमफेरेंस को टू से इंटू करना पड़ेगा और जितना सर्कमफेरेंस होता है ना उतनी ही लेंथ हमें रोप, उतनी ही लंबी हमें, उतनी ही लेंथ की हमें रोप लेके आना पड़ेगी, तो यहाँ पे तो टू राउंड कर रहे हैं। ठीक है, सो लेंथ ऑफ रोप किसके इक्वल हो जाएगी, टू इंटू सर्कमफेरेंस के। ठीक है, ये टू क्यों आया, सर्कमफेरेंस को आपने टू से क्यों इंटू किया, बिकॉज यहाँ पे आपको टू राउंड ले रहे हैं। ठीक है, सो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है टू पाई आर को आप टू से इंटू कर दीजिए, आपके पास पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7। ठीक है, और रेडियस अभी आपने फाइंड की है 21/2, और रेडियस मीटर में है तो सर्कमफेरेंस भी आपका मीटर में आएगा, और सर्कमफेरेंस मीटर में है सो लेंथ ऑफ रोप भी आपकी मीटर में आएगी। ठीक है, सो 7 की टेबल से 21 थ्री टाइम कैंसिल हो गया एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, नाउ ओनली क्या बचा आपका 2 × 22 × 3, तो 2 × 3 कर लेते हैं 6 × 22 कर लेते हैं आपके 6 × 2 = 12, 1 carry 6 × 2 = 12 एंड 132 मीटर। सो 132 मीटर लंबी आपको रोप लेके आना पड़ेगी इससे है ना, दो बार कवर करने के लिए, इस बाउंड्री को दो बार कवर करने के लिए, दो बार फेंस करने के लिए। सो नाउ एक और क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप, ये जो रस्सी आप खरीद के लेके आए हो ना इसकी कॉस्ट निकालो, अगर 1 मीटर की रस्सी, मान लो इतना बड़ा 1 मीटर का टुकड़ा है, इसके शॉपकीपर ने 4 रुपीज बताए, तो 132 मीटर रस्सी लेके आए आप, तो इसकी कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, देखो कॉस्ट ऑफ रोप आपको फाइंड करनी है। ठीक है, 1 मीटर की कॉस्ट आपको दी हुई है 4 रुपीज, सो आपको 132 मीटर की कॉस्ट निकालनी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है बेटा, 132 को बस इंटू कर देना है 4 रुपीज से, तो आपके पास ओवरऑल 132 मीटर की कॉस्ट आ जाएगी, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 1 carry 4 × 1 = 4 एंड 1 carry वाला 528 रुपीज आपको टोटल शॉपकीपर को इस 132 मीटर लंबी रस्सी के देना पड़ेंगे। तो ये जो आपको 132 मीटर लॉन्ग रोप है उसकी कॉस्टिंग कितनी बड़ी, 528 रुपीज़। क्वेश्चन फोर्थ आपका फिनिश।